दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक में। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो पिछले वर्ष बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों छोटे से लाइफ बूस्टर यानी कि आज के सुविचार के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करणम मलेश्वरी। दोस्तों इन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में वेटलिफ्टिंग में पहली बार भारतीय महिला के तौर पर पदक जीता था। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियादा में हुआ था, और दोस्तों इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी, और इनका पूरा नाम वल्लभ भाई जीव भाई पटेल है, और दोस्तों ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक था। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को। दोस्तों जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशीहिदे सुगा है। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस का रूट आपके सामने इंडिया के मैप पर शो कर रहा होगा। दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केले के पेड़ में। दोस्तों केला का पेड़ असल में एक जड़ी बूटी होता है, लेकिन केले के पौधे काफ़ी लंबे और सामान्य रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए इन्हें जड़ी बूटी न कहकर हम पेड़ कहते हैं। दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों हमारा दसवां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन में।
दोस्त, हमारे 11वां क्वेश्चन है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पृथ्वी के कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है, मतलब 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं घूम लेती है। इसी के हिसाब से आप अगर 360 को 24 से भाग देंगे तो आपका जितना आंसर आएगा वही आंसर इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। दोस्तों, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हमारा 12वां क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो दोस्तों, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम यानी कि फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन है, अधनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा था। दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून में। दोस्तों, 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु जब वो अंग्रेजों की कैद में थे तब रंगून में हुई थी। दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर गुजरात के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों, हमारा 18वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है? तो दोस्तों, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। दोस्तों, नेपाल आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए थे तब नेपाल के तत्कालीन राजा और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी जो 1814 से 16 तक चली थी। उसके परिणाम स्वरूप एक संधि की गई थी जिससे आधा से अधिक भाग ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया था, इसीलिए नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर अपना दूसरा परमाणु बम गिराया था। दोस्तों, हमारा 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी से। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी को रत्नगर्भा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है और यह झारखंड के राजधानी रांची में बहती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजबल जीके और करंट अफेयर के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी वो वीडियो अपलोड करें आपके पास।